हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों कहते हैं कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो सिर्फ काम होता है, जिसे अगर लगन और मेहनत से किया जाए तो इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। और इसी का जीता जागता सबूत है एडिडास और प्यूमा ब्रांड, जो आज अपने प्रोडक्ट क्वालिटी और कंफर्ट के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस एडिडास या फिर प्यूमा ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर आप आंख बंद करके भी विश्वास कर लेते हैं, उसकी शुरुआत एक छोटी सी लॉन्ड्री से हुई थी और इसकी स्थापना जर्मनी के एडोल्फ डासलर और एडोल्फ डसलर ने की थी, जिनका निकनेम एडी और रूडी था। असल में दोनों सगे भाई थे और उनके पिता जर्मनी के एक छोटे से शू फैक्ट्री में जूते सिलने का काम करते थे और उनकी माँ भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए एक छोटे से कमरे में एक लॉन्ड्री चलाती थी। एडी और रूडी अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री में काम करने लगे और फिर कुछ दिनों बाद ही वर्ल्ड वॉर होना शुरू हो गया, जिसमें सभी युवाओं को शामिल होना जरूरी होता था और इसलिए एडी और रूडी दोनों को बुलाया गया। कुछ सालों तक चले वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद दोनों सुरक्षित घर वापस आ गए। और दोस्तों दोनों भाइयों को खेल में काफी दिलचस्पी थी और वे दोनों बेहतरीन खिलाड़ी भी थे, लेकिन जब भी वे अपने पिता द्वारा सिले हुए जूते पहनते तो उन्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। वे सोचते कि ऐसे जूते पहनकर कोई खेल कैसे सकता है, और इसलिए उन्होंने अपने और अपने दोस्तों के लिए जूते बनाने शुरू किए। और जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बनाए हुए जूते लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी माँ की लॉन्ड्री से ही जूते बनाने का फुल टाइम बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके द्वारा बनाए हुए जूते लोगों तक पहुँचने शुरू हो गए और फिर 1924 में दोनों ने मिलकर डासलर ब्रदर्स नाम की एक कंपनी खोली, लेकिन यहाँ भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्योंकि उन दिनों ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती थी और इसलिए उन्हें साइकिल के पैडल का प्रयोग करना पड़ता था। धीरे धीरे दोनों भाइयों का बिजनेस बढ़ता चला गया, लेकिन उनके इस बिजनेस को असली सफलता 12 साल बाद 1936 के समर ओलंपिक में मिली, जब कैसे भी करके एडोल्फ डासलर ने उस समय के स्टार स्प्लेंडर जैसे ओवेंस को अपना जूता पहनाकर खेलने को राजी कर लिया और उस ओलंपिक में ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद से ही पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के बीच डासलर ब्रदर्स के जूते प्रसिद्ध हो गए और फिर 1948 तक उनकी कंपनी हर साल 2,00,000 जूतों की बिक्री करने लगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच दोनों भाइयों में राजनीतिक कारणों के कारण मतभेद हो गया और फिर उन्होंने अलग होने का फैसला किया। इसके बाद एडोल्फ ने अपनी एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम उन्होंने अपने निकनेम और सरनेम को मिलाकर एडिडास रखा। और दूसरी तरफ भाई रूडी ने भी रूडा नाम की एक कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने कुछ ही समय बाद बदलकर प्यूमा कर दिया। और फिर दोनों को बिजनेस चलाने का ढंग तो पहले से ही पता था, दोनों बढ़ते चले गए और फिर जूतों के अलावा भी दोनों कंपनियां बैग, शर्ट, घड़ियां, चश्मे और खेल से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए और आज के समय में दोनों ही कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट वियर कंपनियों में गिनी जाती हैं। तो दोस्तों देखा ना आपने, किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि जूते सिलने वाले दो लड़के आज अपनी काबिलियत के दम पर हमें यह सोचने को मजबूर कर देंगे कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं होती। हमें उम्मीद है कि एडिडास और प्यूमा ब्रांड की यह स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।